हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 25 वीडियो है इस चैप्टर का। और पार्ट 25 वीडियो में प्रश्नावली 7.8 पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि योग की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में कह रहा है इंटीग्रेशन निकालना है a टू b x dx का। चलिए तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे एफ एक्स बराबर में x, अच्छा, और यहाँ एन एच का वैल्यू क्या होगा, b माइनस a, है ना, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे। अच्छा, यहां लिखेंगे कि जब n टेंस टू इंफिनिटी, n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद। यहां पे हम लोग जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन निकालना हो a से b फलन एफ एक्स का x के रेस्पेक्ट में, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं योग की सीमा के रूप में लिमिट h टेंस टू जीरो h सिग्मा r इक्वल टू वन टू n एफ ए प्लस आर एच। तो पहले हमें ए प्लस आर एच का वैल्यू निकालना होगा, एफ ए प्लस आर एच, तो मैं एक्स की जगह क्या कर दूंगा, ए प्लस आर एच रख दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस आर एच ही आएगा। ए का वैल्यू ए ही है तो इसमें कुछ रखने की जरूरत नहीं है, यही रह जाएगा। चलिए अब इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल के देखते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन निकालना है ए टू बी एफ एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ पर एक्स है तो मैं सीधे एक्स ही लिख देता हूँ, x dx आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू जीरो h सिग्मा r इक्वल टू वन टू n और f a प्लस आर एच का वैल्यू है a प्लस आर एच। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग करते हैं और उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। लिमिट h टेंस टू जीरो, अच्छा यहाँ पे अलग अलग करते हैं, तो h सिग्मा r इक्वल टू वन टू n a प्लस एच सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन आर प्लस आर इंटू एच, यही ना हो जाएगा। लिमिट भी अलग अलग लगा देते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन ए, इसके लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है ना, प्लस यहाँ पे ये एच यहाँ आ जाएगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन, यहाँ पर क्या बचेगा, आर बचेगा। चलिए अब इसके लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है ना, ये a a a कितना टाइम्स है, n टाइम्स है, तो इसका n a हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू जीरो इनटू में h और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका n a आ जाएगा, प्लस लिमिट h टेंस टू जीरो h स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो तो प्रथम n प्रत्येक संख्या को योग को निरूपित कर रहा है, तो इसके लिए होता है n इनटू n प्लस वन और बटा में टू, यही ना होता है जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमें हर एक को एनएच के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि एनएच का वैल्यू ऊपर हमारा बी माइनस ए है, तो यहाँ ए तो कॉन्स्टेंट है, इनटू में है आपका एन एच, एन और एच एक साथ ले लिए। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक एच को यहाँ बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक एच को अंदर, तो बाहर हो जाएगा एन एच और ब्रैकेट में हो जाएगा एन एच प्लस में आपका एच, समझ गए ना, एच इन दोनों से गुना करेगा और बट्टा में टू। चलिए अब एन एच का वैल्यू क्या ऊपर आया था हमारा, बी माइनस ए ना, तो यहाँ बी माइनस ए रख देते हैं, तो ए इंटू में बी माइनस ए प्लस यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी माइनस ए ब्रैकेट के अंदर बी माइनस ए और एच का वैल्यू यहाँ जीरो पुट करना जी, जीरो, ठीक है, और बट्टा में टू, बट्टा में आपका टू। चलिए अब इसके बाद अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखो ना आपका बी माइनस ए दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, तो b माइनस ए कॉमन होने से यहां बच जाएगा आपका a और यहां बच जाएगा b माइनस ए बटा टू, अंदर एलसीएम ले लिया जाए, b माइनस ए ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, टू एलसीएम होगा, तो टू ए प्लस में b माइनस ए। चलिए तो इसे मैं लिख सकता हूं वन बाई टू बी माइनस ए इंटू में यहां हो जाएगा b प्लस ए, ठीक है, अगर प्लस में एक बार माइनस में तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, इंटीग्रेशन निकल गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर